अब थोड़ा जुखाम होता है कोरोना टेस्ट कराओ। कोरोना है किसको? हम तो कहते हैं पहले कोरोना मोदी को है। एमी सरकार लोगों को फुद्दू बना रही है, मोदी ने ना सब पैसा लूट रहा है। हाँ हम भी यूपी का हूँ, ये मोदी का सब चाल है, उसने सारा पैसा खाया हुआ है। ये जो 5G बना हुआ ना मोबाइल, वो सारा उसके द्वारा बीमारी फैली हुई है, ये दुनिया को पता नहीं है। ना पढ़े हो आप? हाँ BA पास हैं। अच्छा। हाँ रिक्शा क्या हुआ है? रिक्शा चला रहे हैं। ये मोदी को पता है कोरोना नहीं है चाइना। ये पास हो आप तो रिक्शा क्यों चला रहे हो? तो मोदी मेरे को नौकरी देगा? मोदी ने देश भेज दिया है कि गरीब बंदे को मार दूं तो अपना देश आगे करूं। वो अमेरिका से मिला हुआ है। हाँ ट्रंक कड़ा अमेरिका का उसके साथ मिला हुआ है और गरीब बंदे को मारने का सोच रहा मोदी। तो गाली तो नहीं, हम किसी को निकालनी चाहिए तो अब गुजारा कैसे? 100 रुपए में बच्चे गुजारा होगा? हैं बच्चे मेरा कल दूध का खर्चा पानी का खर्चा कौन देगा? योगी गालिये दे रहा है, पूरा लोग परेशान है। पढ़ाई वहाँ यूपी में की थी? यूपी में किया था। तो वहाँ फिर कोई नौकरी नहीं मिला तो फिर इधर आके रिक्शा चला रहे हैं। शनिवार इतवार खुला रहता था, आदमी काम करता था, 400-500 रुपया बना लेता था। ये मेन चीज का लिए शनिवार इतवार बंद कर दिया, ये 4 दिन में क्या कमा लेगा सर? 50 रुपया रिक्शा किराया जमा करा लेते हैं और देकर बाद रख लो रूम किराया, 2000 रुपया रूम किराया लेता है, कहाँ से क्या करेगा जी? अगला को नहीं अगर पैर चले यहाँ से, एक सवेरे के खड़े हुए 7 बजे तक का, अभी तक 1 रुपया का काम नहीं किया हूँ। गरीब बंदे को मोदी ने समझता है मार दूं, कहता है कि 2 दिन रुको, पहले नोटबंदी किया GST लगाया, सही बात है। एक कोरोना कहाँ से आ गया? पहले बंदे नहीं मरते थे, बुखार नहीं होता था, जुकाम नहीं होता था। तो चलो इधर से आप जो भी पहले कमाया हुआ था वो भी चला गया, पानी बना दिया ये मोदी। सरकार द्वारा राशन आया था मगर गरीब बंदे को नहीं पहुँचा था, कहते 119 को फोन करो राशन मिलेगा। बस खाली फोन करी जाओ, राशन नहीं मिलना, खाली फोन करी जाओ। पंजाब दे विच करोना ने अपना कहर जारी रखिया होया सीगा, पर उस दे विच कार पंजाब सरकार ने लोगों ते करफ्यू लगा दिता, लॉकडाउन लगा दिता। चाहे सारे दिन लई दुकानां उन्हां दीआं नहीं बंद कीतियां, पर हफ्ते दे विच 2 दिनां लई सारिआं दे कारोबार बंद कर दित्ते, जिस दे विच कार बहुत लोगों नूं परेशानी आई, चाहे वह दुकानदार होवे, चाहे मजदूर वर्ग होवे या कोई होर होवे, जिन्हां ने रोज़ दी रोटी कमा के अपनी शाम नूं उसे पैसिआं दे नाल रोटी खाणी हुंदी सी, उन्हां नूं बहुत दिक्कतां परेशानियां दा सामना करना पैंदा। पिछले साल भी जदों मुकम्मल लॉकडाउन लग्या सीगा उदों भी सब तों वध उसे वर्ग नूं नुकसान पहुँचिआ सी, ते अज भी उसे ही वर्ग नूं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रिहा। जेकर आपां गल करिए जिन्हां नूं आपां नहीं जिन्हां बारे सोचदे रिक्शे वालिआं दी, कि जिन्हां ने अपना रोज़ जिन्नी सवेर दी कमाई कीती ते शाम नूं उसे नाल रोटी खाणी है, उन्हां दा की बनेगा? असीं लॉकडाउन तां लगा दिंदे हां, वड्डे सरमाएदारां नूं नहीं उस दे नाल कोई फर्क पैंदा, पर जिहड़े ये लोग ने जिन्हां ने रोज़ मजदूरी करनी है उन्हां नूं बहुत फर्क पैंदा। घंटाघर चौंक दे विच असीं खड़े सीगे ते इत्थे कुछ जिन्हां ने रोज़ अपनी कमाई करके जिन्हां दी रोज़ी रोटी इही रिक्शा है लोगों नूं अपनी मंजिल ते पहुँचाना हुंदा, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ। ਭਈਆ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਹੈ, ਗਣੇਸ਼ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜੈਸੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੂਰਾ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਬਸ ਉਹੀ 100-150 ਕਰਦੇ, 50 ਰੁਪਏ ਰਿਕਸ਼ੇ ਕਿਰਾਇਆ, 100 ਰੁਪਏ ਕਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਗਾ। ਹਾਂ ਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਕਹਾਂ ਪੇ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਦਿਖਾਓ ਕਰੋਨਾ ਕਹਾਂ ਪੇ ਹੈ। एमी जान बुझ के कोरोना चेक करते, कोरोना है ही नहीं, कहते कोरोना के पहले दवाई नहीं बनती, दवाई बन गई है, तो कोरोना है कहाँ पे? एमी सरकार लोगों को फुद्दू बना रही है, मोदी ने ना सब पैसा लूट रहा है। हाँ हम भी यूपी का हूँ, ये मोदी का सब चाल है, उसने सारा पैसा खाया हुआ है। ये जो 5G बना हुआ ना मोबाइल, वो सारा उसके द्वारा बीमारी फैली हुई है, ये दुनिया को पता नहीं है। हम भी पढ़े लिखे इंसान हैं, ये उसके द्वारा बीमारी फैली है, कोरोना है नहीं, मोदी ने पैसा खाया हुआ है, इस करके वो सारा बीमारी फैली हुई है। कितना पढ़े हो आप? हाँ BA पास हैं। अच्छा। हाँ रिक्शा क्या हुआ है? रिक्शा चला रहे हैं। ये मोदी को पता है कोरोना नहीं है चाइना। BA पास हो आप तो रिक्शा क्यों चला रहे हो? तो मोदी मेरे को नौकरी देगा? मेहनत करके खा रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे। हाँ रहने वाले हम भी यूपी के हैं, गोरखपुर जिला का,
तो योगी हमारे पहले थे योगी तो बढ़िया थे, अब मुख्यमंत्री बना गया, अब हम तो नहीं, सब लोग तो उनको गालिए दे रहा है, योगी गालिए दे रहा है, पूरा लोग परेशान है। पढ़ाई वहाँ यूपी में की थी? यूपी में किया था। तो वहाँ फिर कोई नौकरी नहीं मिला तो फिर इधर आ गए? इधर आके रिक्शा चला रहे हैं। तो काय का पढ़ाई, हूँ तो स्कूल बंद है, तो लोग कहता देश आगे बढ़ेगा, देश आगे कहाँ से बढ़ेगा, देश पीछे जा रहा है। अब हमारे बच्चे हैं, तीन मुंडे हैं, अब जो चाहे हमारे हैं चाहे दुनिया के हैं, सब स्कूल बंद है, तो बच्चे पढ़ाई जब होगी नहीं, मैडम मोबाइल द्वारा भेजते हैं, वो कहाँ से पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ते नहीं तो घर में पढ़ेंगे, वो तो देश पीछे जा रही है। मोदी सोता गरीब बंदे को मार दूं, अपना देश आगे वो बेच दिया है। हाँ वो तो कहते हैं कि तो मोदी जी के देखरेख में देश आगे बहुत बढ़ रहा है, सारे काम बहुत अच्छे। नहीं नहीं, मोदी का नियम है कि मैं गरीब बंदे को मार दूं तो मैं आगे अपना देश बढ़ाऊं, मोदी ने देश भेज दिया है कि गरीब बंदे को मार दूं तो अपना देश आगे करूं। वो अमेरिका से मिला हुआ है, हाँ ट्रंप कड़ा अमेरिका का, उसके साथ मिला हुआ है और गरीब बंदे को मारने का सोच रहा मोदी। चलो तो गाली तो नहीं हम किसी को निकालनी चाहिए, तो अब गुजारा कैसे? 100 रुपए में बच्चे गुजारा होगा है? बच्चे मेरा कल दूध का खर्चा पानी का खर्चा कौन देगा? कोई बोनी बट्टा नहीं हुआ है, बताओ। आए हुए सवेरे से आए हुए, कोई बोनी बट्टा नहीं हुआ है जी, बैठे हुए है छा में लगा के, ना कोई अभी कोई मार्केट पूरा खुला है नहीं, कहाँ से क्या करिए जी बताओ। वो इतना दूर से 8 किलोमीटर से आए हैं पिंड से अगर नगर से, कोई अभी तक 1 रुपया का बोहनी नहीं तक किया हूँ। गुजारा फिर कैसे चलता है? अब कैसे गुजारा हो जी, 4 दिन हफ्ता में खुला रहेगा 150 से ऐसी टाइम पास हो रहा है, क्या करिए। परिवार कैसे चलाते हो, क्योंकि परिवार की तो जरूरतें हैं ही है, रोटी भी तुमने खानी है। परिवार के परिवार बिहार में है जी, परिवार बिहार में है, तो उधर वही जो हमारा नीतीश है उन्हें वो राशन पानी देता है, तो उसी से अभी गुजारा उधर चल रहा है। अब चलो इधर से आप जो भी पहले कमाया हुआ था वो भी चला गया, पानी बना दिया ये मोदी। तो पिछले साल भी जब लॉकडाउन लगा था तब भी यहीं थे तो आप लुधियाना? गरीब नहीं मिला था राशन, सरकार द्वारा राशन आया था मगर गरीब बंदे को नहीं पहुंचा था। कहते 119 पर फोन करो राशन मिलेगा, बस खाली फोन करी जाओ, राशन नहीं मिलना, खाली फोन करी जाओ, वो बीच में गायब हो जाता था। हाँ राशन गरीब बंदे को नहीं मिला कि ना, खुला रहे जी तो यहाँ बंदे को लाइन लग जाएगा भूखे मर मर के। ये तो समझो कि मंदिर गुरुद्वारा यहाँ है कि बहुत हेल्प हो रहा है जी यहाँ पे, रोटी मिल जाती है, बाकी कोई शहर में नहीं मिल सकता है। पंजाब में मिल जाती है, पंजाब में रोटी मिल जाती है, गुरुद्वारे में रोटी मिल जाती है, बाकी ऐसा कोई शहर में नहीं मिलती है। सरकार द्वारा राशन आया है मगर बीच में जो घुसपैठिए हैं खा जाते थे, गरीब बंदे को नहीं पहुंचा है। एकदम नई साधन है जी यहाँ पे, आप देखते हैं यहाँ बैठे हुए हम लोग, कोई अभी नहीं है, शाम में क्या खाएंगे क्या कहते करेंगे। अभी तक शनिवार इतवार खुला रहता था, आदमी काम करता था 400-500 रुपया बना लेता था, ये मेन चीज का लिए शनिवार इतवार बंद कर दिया, ये 4 दिन में क्या कमा लेगा सर। कितनी सवारियां दिन की आ जाती थी जब ये सोमवार से शुक्रवार खुला रहता, कितनी की सवारी वाले चला दिया ना? 100-150, 200 तक बन जाता है, बाकी दिन भी जो 100-150 कमाते हो तो शाम को तुमने भी रोटी खानी है वो खा लेते हो, बस वही सारा खा भी खत्म। 50 रुपया रिक्शा किराया जमा करा लेते हैं, और देकर बाद रख लो रूम किराया 2-2 हजार रुपया रूम किराया लेता है, कहाँ से क्या करेगा जी। अगला को नहीं अगर पैर चले यहाँ से, एक सवेरे के खड़े हुए 7 बजे तक का, अभी तक 1 रुपया का काम नहीं किया हूँ, बैठे हैं यहाँ चौक पे लगा के। यही हालात ने आपके भी जो किसी के भी मतलब सबके कारोबार बंद है, आपका भी वही हालात बंद है जी। बोनी बटे नहीं हो रहा देखते, मैं आए वहाँ से चमराले चौक से आया हूँ, बोनी बटा नहीं है, घूम रहे हैं सब बगल घूम रहे हैं। सुबह कितने बजे आ जाते हैं जी? हम आए हैं 9 बजे चले वहाँ समरा। आपको कितने बजे घर जाते? चल जाएंगे यहाँ से वही 4-5 बजे निकल जाएंगे, क्या करेंगे, सवारी सवारी है नहीं, मार्केट खुला हुआ नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग। 12-1 बजे निकल जाएंगे, देख रहे आशासी देख लिए, होगा होगा नहीं होगा तो एक निकल जाएंगे 12-1 बजे, यहाँ तो सारे बंद है, तो यहाँ कौन आदमी है कि कोई जाएगा। तो हम लोग रोटी खा लेते हैं, लंगर हुआ आ जाता है तो वहीं पर हम लोग खा लेते हैं। बाबू लोग आते हैं गाड़ी में ले लेके, सब अपना खिलाते हैं, सबको खिला के जाते हैं मंदिर गुरुद्वारा, उसमें लप हो के जाते हैं खा लेते हैं, बस हो गया जी यही। अरे यार मोदी का नियम है कि गरीब बंदे को मार दूं,
गरीब बंदे को मोदी ने समझता है मार दूं, कहता है कि दो दिन रुको, पहले नोटबंदी किया, जीएसटी लगाया, सही बात है, एक कोरोना कहां से आ गया, पहले बंदे नहीं मरते थे, बुखार नहीं होता था, जुखाम नहीं होता था, यहां से 3 महीना से चेक इन चल रहा है, कोई दुखाम बुखार पहले नहीं होता था, जुखाम नहीं होता था, जब बंदे नहीं बीमार पड़ते थे, पहले भी होते थे, अब थोड़ा जुखाम होता, कोरोना टेस्ट कराओ, कोरोना है किसको, हम तो कहते हैं पहले कोरोना मोदी को है, क्योंकि वो चाय बेचने वाला आज मोदी सरकार चला रहा है, तो कोरोना उसको है, क्योंकि वो मोदी। हाँ, ये देखा तुसी के किस तरह लोग जड़े ने परेशान ने, इन्हां दी आवाज़ कोई नहीं सुनता। कैप्टन अमरिंदर सिंह होरी भी जदों कोई छोटे बच्चे की वीडियो देखते हैं तो वो मदद लिए अगे आते हैं, पर जोड़े रोज़ अपनी रोटी कमा के जिन्होंने खाना उन्हों की कोई नहीं सुनता, तो यही असी आस करते हैं कि इन्हों की आवाज़ भी सुनी जाए, तो इन दे भी जोड़े कारोबार थोड़े चलने या जड़िया भी मेहनत ये करते हैं उसका मुल पवे। तो वधेरे अपडेट्स सानू जुड़े रहो, कैमरामैन सतवंत मठाड़ू के नाल सरमजीत सिंह भल्ला लुधियाना।